Hello everyone, how are you all? I hope you all are enjoying and you are fit and fine and staying at home. तो आज वापस मैं आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूँ और आज इनफॉर्मल इनविटेशन का ही दूसरा पार्ट कर रहे हैं जिसमें हमें डिक्लाइन करना है, किसी भी इनविटेशन को जवाब देना है और इनफॉर्मल तरीके से देना है और इसे डिक्लाइन करना है। प्रश्न मैंने लिख रखा है और आज के प्रश्न में मैंने कोई डेट टाइम वगैरह नहीं लिखा है। कई बार ऐसा भी आता है तो मैं वो भी आपको दिखा देना चाहता हूँ, तो वो प्रश्न कैसा हो सकता है और फिर आपको कैसे रिप्लाई देना है, तो लेट्स सी क्या कर सकते हैं। मैंने हेडिंग डाल रखी है इनफॉर्मल रिप्लाई टू द इनविटेशन। अब पहले वाले में जो किया था, अगर आपने पहले वाला वीडियो देखा होगा तो उसमें एक्सेप्टेंस था कि आप आ रहे हैं, जिसने भी आपको इन्वाइट किया है उसके पार्टी में आप आ रहे हैं। आज वाले में क्या है कि हमें रिप्लाई तो देना है, बट रिप्लाई इस तरीके से देना है कि आप नहीं जा सकते हो, कोई वजह है इसकी वजह से आप अटेंड नहीं कर सकते हो, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे लिखनी है। तो थोड़ा सा फ़र्क आता है, ज़्यादा नहीं है। प्रश्न ऐसा हो सकता है, यू मे हैव दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन इन द एग्जामिनेशन, वेदर यू आर इन RBSE और CBSE डजेंट मेक एनी डिफरेंस, इट्स ऑलमोस्ट सेम। इमेजिन यू आर रमेश, कोई भी नाम दे दिया, रमेश ले लिया मैंने यहाँ पे। यू रिसीव्ड एन इन्विटेशन फ्रॉम योर फ्रेंड दीपक ऑफ अजमेर, आपने एक इन्विटेशन यानी आमंत्रण प्राप्त किया है आपके दोस्त जो कि दीपक है और वो अजमेर का है। अब ये ऐसे लिख के कन्फ्यूज करने के लिए होता है, ध्यान से देखना जो भी मैं कह रहा हूँ अभी। टू अटेंड हिज रिंग सेरेमनी फंक्शन, उसकी सगाई का समारोह है, उसके अंदर जो फंक्शन होने जा रहा है उसमें अटेंड करने के लिए उसने आपको बुलाया है। राइट एन इनफॉर्मल रिप्लाई डिक्लाइनिंग द इन्विटेशन, डिक्लाइनिंग का मतलब मैंने आपको पहले ही बताया, मना करना, तो आप मना कर रहे हो। एक मिनट, मैं थोड़ा स्पेलिंग भी चेक कर लेता हूँ वापस। DECLINING, डिक्लाइनिंग, ये स्पेलिंग बनेगी, डिक्लाइन डिक्लाइनिंग, तो डिक्लाइनिंग द इन्विटेशन, इन्वेंट डिटेल्स, और आपको डिटेल्स खुद बनाना है। इनफैक्ट क्या है कि कई बार डेट्स टाइम प्लेस मतलब वेन्यू वगैरह सब दे देते हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ नहीं दिया है। अब कुछ नहीं दिया है तो यू हैव टू इन्वेंट एवरीथिंग, इन्वेंट का मतलब क्या होता है, आविष्कार करना। यहाँ पे वैसा आविष्कार कुछ नहीं है, वैज्ञानिक, आपको एक फॉल्स डेट क्रिएट करना है, एक फॉल्स वेन्यू क्रिएट करना है, वो इतना ही है, कोई भी कर सकता है, इट्स सो ईजी। ओके, सो लेट्स सी। अब जैसा मैंने आपको बताया था, इनफॉर्मल जो रिप्लाई है इट इज़ जस्ट लाइक योर प्राइवेट लेटर, जो आप लिखते हो अपने दोस्तों को, एक व्यक्तिगत लेटर वैसे ही है, लेकिन इसमें सिर्फ उसी मुद्दे पे लिखा जाएगा जिस मुद्दे के लिए हम इसे लिख रहे हैं, उसमें घरेलू बातें नहीं लिखी जाती, बस इतना सा ही फ़र्क है। सो लेट्स सी, आप जालौर में हो तो जालौर का कोई भी एड्रेस आपने ले लिया, आपका ही एड्रेस कोई भी ले लो। चलो मैंने पिछली बार भी वही लिया था, आज भी वही ले लेता हूँ। शिवाजी नगर में सपोज आपका मकान है, वो अजमेर सिर्फ धोखा देने के लिए, कई बार बच्चे नहीं पढ़ पाते हैं, पूरा अजमेर अजमेर लिख देते हैं तो वो भी गलत हो जाता है। तो आप तो भेज रहे हो, आप जालौर में हो, आपको अजमेर से आया है आपके पास में, और आप अब उसको जवाब दे रहे हो, तो आपका एड्रेस यहाँ पे आएगा, शिवाजी नगर जालौर, फुल स्टॉप ले लो। अब आपका फ्रेंड का नाम क्या है, दीपक, तो आप लिख सकते हो यहाँ पे डियर दीपक, और नेचुरली आपको शुरू में पढ़कर तो बड़ी प्रसन्नता हुई होगी कि आपके दोस्त का एंगेजमेंट हो गया है, वो सगाई हो गई है, वो शादी करने जा रहा है, सो आपका स्टार्टअप वैसे ही होना चाहिए। आई एम वेरी हैप्पी टू रिसीव योर इन्विटेशन, काफ़ी कुछ मिल जाता है ऊपर वाले से, टू अटेंड योर रिंग सेरेमनी फंक्शन, यहाँ तक लाके आप फुल स्टॉप ले लो पहले, तो आपको समझ में आ गया होगा, आपको खुशी है ही, होना ही चाहिए। सो आई एम वेरी हैप्पी टू रिसीव योर इन्विटेशन टू अटेंड योर रिंग सेरेमनी फंक्शन, जो दिया हुआ था वही लिख दिया है। अब आगे आपको सोचना है कि क्या लिखना है, एक दो लाइन और भी प्रसन्नता के लिख सकते हो, है ना, तो ऐसे लिख सकते हो, आई एम
really glad that you are going to get engagement . It is really a happy moment for all of us. उसमें सारे friends को आपने cover कर लिया, ठीक है? तो ये हो जाएगा आपका, I am very happy to receive your invitation to attend your ring ceremony function. I am really glad, happy को change करके glad में ले लिया, that you are going to get engagement. It's really a happy moment for all of us. ओके, अभी तक मैंने डेट वगैरह भी नहीं लिखा है और ना लिखने की भी जरूरत पड़ती है कई बार, क्योंकि उसको तो पता ही है कि क्या डेट है और क्या डेट नहीं है, है ना? तो इस प्रकार से आप यहाँ पर लेके आ जाओ. उसके बाद में आपको अब दिखाना है कि आपकी स्थिति नहीं है कि आप अटेंड कर सकते हो, तो आप लिख सकते हो, आई एम रियली वेरी सॉरी that I won't be able to attend it आ गया उस function के लिए, as my mother, कोई भी reason देना है, my mother is sick and I can't leave her alone. कोई भी एक अच्छा सा रीजन देना है. ओके, अब आपने सॉरी भी मांग लिया, आपने अपना वो भी बता दिया कि क्यों आप नहीं कर सकते हो. सो आई एम रियली वेरी सॉरी दैट आई वॉन्ट बी एबल टू अटेंड इट एज माई मदर इज सिक एंड आई कॉन्ट लीव हर अलोन. हो गया, लेकिन आप गुड लक तो दे ही सकते हो, फिर भी नहीं गए तो क्या हुआ? तो आप एक लाइन लास्ट में लिख लो, माई कॉन्ग्रेचुलेशंस. और आप इसको थोड़ा और बेहतर बना सकते हो, आजकल बहुत सारे तरीके हैं. मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन, मैनी कॉन्ग्रेट्स ऐसे भी लिख सकते हो, मैनी कॉन्ग्रेट्स एंड एक्सक्लेमेटरी साइन. बस हो गया आपका काम. इसके बाद नीचे यहाँ पे ले लोगे योर्स लविंग और फिर आपका नाम आ जाना चाहिए. तो आपका नाम क्या है यहाँ पे? रमेश. और आप यहाँ पे अपना नाम लिख लो. तो ज़्यादा बड़ा कुछ लिखना नहीं पड़ता है. सो वापस एक बार देख लेते हैं, आपका एड्रेस शिवाजी नगर जालौर मान लिया है, और उसके बाद में आपका फ्रेंड दीपक ने भेजा था, उसको अपन एड्रेस कर रहे हैं, और ये जो भी लिखा है मैंने एक बार पढ़ के मैंने आपको बता दिया है. और इस प्रकार से आप उसको ये इंटीमेट कर सकते हो कि आपकी स्थिति नहीं है आने की. दैट्स इट. सो आई होप आपने समझ लिया होगा. और फाइनली वो जो लास्ट में हम लोग करते रहे हैं, दैट यू हैव टू डू, आपको ये बॉक्स बनाना ही बनाना है, और इस बॉक्स को बना के आप इस तरीके से इसको प्रेजेंट कर सकते हो. आई होप आपने समझ लिया होगा. तो अब आज इनफॉर्मल रिप्लाई की भी सीरीज ख़त्म हो गई है. नाउ इट इज़ योर टाइम टू प्रैक्टिस. और अगर आपको कोई भी दिक्कत है, यू पुट इन कमेंट बॉक्स, आई विल लुक इन टू दैट एंड आई विल रिप्लाई यू इफ़ यू हैव एनी ट्रबल. ओके, थैंक यू वेरी मच. कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग अस एंड सब्सक्राइब अवर चैनल. थैंक यू वेरी मच वंस अगेन. हैव ए नाइस डे.